हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज फ्राइडे है और आज मेरा फास्टिंग है, तो अभी मैं जस्ट नहा के और पूजा करके आई थी, तो मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं अभी गरम गरम दूध लेके आई हूँ। हमेशा चाय बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है, तो अभी मैं दूध पीने जा रही हूँ। और परी भी स्कूल से आ चुकी है और आके खाना खा के सो रही है। और ये देखिए, मैंने आग जलाया है। और आज क्या हुआ कि अचानक से मेरी नज़र इस लोहे की कढ़ाई पर पड़ी, तो मैंने सोचा कि ये भी अच्छा ऑप्शन है आग जलाने के लिए, क्योंकि इससे पहले हमारे पास नीचे में आग जलाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था। बस एक ही ऑप्शन था ब्लोअर का, तो हम लोग बस ब्लोअर के पास ही बैठते थे। तो आज मैंने आग जलाया है। फिर मेरे हस्बैंड भी आज जल्दी आ गए, तो फिर ये देख के बोल रहे थे कि इससे तो गंदगी फैलेगी, घर गंदा होगा। फिर मैंने बोला कि पेंट भी तो पुराना हो गया है, पेंट तो करवाना ही है 1-2 साल में, तो जब तक पेंट नहीं हो रहा है तब तक हम लोग आग जला सकते हैं, कोई बात नहीं है। और आजकल मेरे गली में छोटे छोटे 3-4 डॉगी के बच्चे आ गए हैं, और वो पूरी रात पूरे दिन ठंड के मारे मतलब रोते रहते हैं, तो ये दूध उनके लिए है। और ये सैटरडे मॉर्निंग का ब्लॉग है, और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। और ये देखिए, अभी हम लोग हॉस्पिटल में आए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरी सिस्टर एडमिट है, और वो रात को ही 11:30 बजे एडमिट हुई थी। तो रात को तो हम लोग नहीं गए, लेकिन आज सुबह सुबह 6 बजे ही निकल गए थे। काफ़ी कुहासा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अभी वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन हो गया है, बिल्कुल ठीक है। और अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। और ये देखिए, सेम सेम ओवरकोट है मेरा और मेरी सबसे छोटी सिस्टर का। पिछले साल हमने लिया था एक जैसा, और ये काफ़ी सुंदर लगता है। और आज है संडे, और ये देखिए, अभी सब्जी वाला आया था, तो हमने घर पे ही सब्जी लिया है। और आज भी हम लोगों को हॉस्पिटल जाना है, तो अभी फ़िलहाल मैं सब्जी को ऐसे ही रख के जाऊंगी, शाम को वापस आके फिर इसको मैं फ्रिज में रखूंगी। बाकी यहाँ पर मैंने कुसुम का और पालक का और सरसों का मिक्स करके साग लिया है, तो इसको मैं शाम को आके साफ़ करके रख दूँगी, फिर कल इसको बनाऊँगी। तो अभी मैं सब्जी को इस तरीके से छोड़ के जा रही हूँ फैला के, फिर शाम को आके फ्रिज में रख दूँगी। और आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं घर पर मसाला कैसे तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, लौंग और कसूरी मेथी, धनिया, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, जायफल, ये सब लिया है और सबको पीस लिया है। और घर पर अगर आप मसाला तैयार करते हैं तो टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि बाहर के जो मसाले होते हैं उसका वो लोग पहले वायल निकाल लेते हैं, फिर मसाला तैयार करते हैं, तो अच्छा टेस्ट नहीं होता है। और ये देखिए, इतना सारा मसाला सिर्फ 135 में ही बन के तैयार हो गया है, क्योंकि जितना भी हमने रॉ मटेरियल लिया था वो सिर्फ 135 का ही था। और ये देखिए, कम से कम 2 महीना तो ये अच्छे से चल जाएगा। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, हम लोग जस्ट अभी हॉस्पिटल से वापस आए हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोटैटो फिंगर चिप्स, वो भी देसी स्टाइल में, मतलब फ्यूजन है ये, फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ जो हरा मसाला होता है वही यूज किया है, धनिया का पत्ता और लहसुन का पेस्ट, ये सब यहाँ पे मैंने मिक्स किया है।
अभी मैं डिनर के लिए सब्जी बना रही हूँ। सब्जी में मैं बना रही हूँ आलू गोभी और मटर की सब्जी कुकर में। और यहाँ पर मैं पानी बहुत ही कम यूज करूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या वो सॉर्ट आउट हो गया है जो मैं फिर से वीडियो डाल रही हूँ? तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देती हूँ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे ब्लॉग का। वैसे तो ये मेरा न्यू चैनल है, लेकिन मैं 3 साल से यूट्यूब पर हूँ और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि अगर आप कंटिन्यू वीडियो शेयर नहीं करते हो तो फिर ऑडियंस टूटने लगते हैं। तो ये सोच के भी मैंने सोचा कि चलो वीडियो शेयर करती हूँ। वैसे भी मैं कुछ ना कुछ रोज़ शूट कर ही लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो शेयर करते हैं। और रोज़ मैं इसी इंतज़ार में रहती हूँ कि आज मेरे चैनल का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा, देखिए कब तक तो होता है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल बटन आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और जो ऑल लिखा होगा उसके ऊपर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको मेरे ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट करके भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी का जो कुकर है बंद कर दिया है और ये देखिए सब्जी तैयार है। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि रोटी बनाने के बाद फिर हम लोग खाना खा के सो जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। तो बाय बाय, गुड नाइट।